बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 नंबर टॉपिक है जी, बीपीपी की अकॉर्डिंग। और बीपीपी की अकॉर्डिंग जो होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी वही होता है। तो यहाँ पे ये बात है कि ये फाइनेंशियल असेसिंग नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक गवर्नमेंट बॉडी। अब देखो ना, गवर्नमेंट है तो यहाँ पे मतलब जो है वैल्यू फॉर मनी लगता होता है। थ्री इज इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, जितने पब्लिक सेक्टर है। यूज मेजर बेस्ड अपॉन द थ्री इज टू द मेजर वैल्यू ऑफ मनी जनरेटेड फॉर बाय ए पब्लिक फंड फंडेड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की बात, इट कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेजर टू बी कास्ट पर सक्सेसफुली ट्रीटेड पेशेंट। कास्ट पर पेशेंट विच ऑफ थ्री इज बेस्ट डिस्क्राइब द अबव मेजर। इकोनॉमी होती है कॉस्ट लेस लगे, लेकिन रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम इन करते हैं। जैसे देखिए, हॉस्पिटल की अगर बात करें तो वो वहां पे बेड रिसोर्सेज हैं, डॉक्टर रिसोर्सेज हैं, नर्सेज रिसोर्सेज हैं, एक्सरे मशीन्स रिसोर्सेज है, अल्ट्रासाउंड मशीन रिसोर्सेज है, टेस्ट रिसोर्सेज है। तो उनकी अगर कास्ट कम हो तो वो इकोनॉमी है, लेकिन पेशेंट वहां पे आउटपुट है, कास्ट यूनिट की तरफ जाता है। तो पेशेंट कम कास्ट में ट्रीट हो जाए तो जितनी कम कास्ट में होगा, ये उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एफिशिएंसी है। पेशेंट आउटपुट है। अगर यहाँ पे कास्ट पर रिसोर्स किसी किस्म का होता तो फिर ये इकॉनमी। अगर कास्ट पर आउटपुट यानी कास्ट पर इनपुट होता तो इकॉनमी थी, कास्ट पर आउटपुट पेशेंट है तो ये एफिशिएंसी होता है। ये बड़ा बारीक मतलब इनमें डिफरेंस होता है, जरा केयर से एग्जाम में हैंडल करना। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर आर लेस लाइकली टू बी मैनिपुलेटेड देन फाइनेंशियल वंस। ये बात बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल को मैनिपुलेट करना आसान होता है, नॉन फाइनेंशियल को मैनिपुलेट करना जरा मुश्किल होता है। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफर ए मीन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग काउंटरैक्टिंग शॉर्ट टर्मिज्म। हाँ जी, फाइनेंशियल पे फोकस है होता है तो वो शॉर्ट टर्मिज्म है। अगर काउंटरैक्ट करना शॉर्ट टर्मिज्म पे तो फिर नॉन फाइनेंशियल मेजर इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे, काउंटरैक्टिंग काउंटरैक्शन। विच आर फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एडवांटेज ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच। द बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच इनेबल ऑर्गेनाइजेशन दैट आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली टू इंफेसिस अदर एरिया। बेटा फाइनेंशियल फोकस तो वैसे भी इसका नहीं होता, इसमें एक फाइनेंशियल है, फोर परस्पेक्टिव है ना, एक ही फाइनेंशियल है ना, बाकी तीनों नॉन फाइनेंशियल। द बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू कंसिडर ऑल एरिया ऑफ परफॉर्मेंस रेलिवेंट टू अचीविंग देयर स्ट्रेटेजिक गोल। हाँ जी, उनके गोल्स को अचीव करने का ऑल एरिया,
क्योंकि मैंने बताया था इसमें करंट परफॉर्मेंस भी होती है, हिस्टोरिकल और फ्यूचर भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है, इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। द बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मोर इजीली बेंचमार्क देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट अदर। नहीं, इसमें मतलब दूसरे के साथ कंपेयर करना तो है ही। द बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमिन देयर एथिकल क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल तो एथिक्स का बेटर नाम इस परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, एथिक्स वैसे भी मेजरेबल नहीं होते। व्हाई वुड एन ऑर्गेनाइजेशन यूज नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर टू अप्रूव टू अपियर सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल। नहीं, सोसाइटी के लिए नहीं, नॉन फाइनेंशियल को नंबर ऑफ कस्टमर भी होते हैं, उसका सोसाइटी के लिए क्या ताल्लुक है। टू प्रिवेंट नैरो फोकस और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हाँ जी, के लोग शॉर्ट टर्म पे फोकस ना रहें, इससे रोकने के लिए नॉन फाइनेंशियल होते। टू प्रिवेंट सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नहीं बेटा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की सिक्योरिटी ज्यादा नॉन फाइनेंशियल से लिया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। टू इनकर्ज शॉर्ट टर्मिज्म। शॉर्ट टर्मिज्म तो बेटा फाइनेंशियल होते। द बैलेंस स्कोर कार्ड मेजर परफॉर्मेंस फ्रॉम फोर परस्पेक्टिव। व्हाट आर दे? कस्टमर सेटिस्फेक्शन ओके, ग्रोथ ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओके, प्रोसेस एफिशिएंसी ओके। कस्टमर रिटेंशन, नहीं बेटा रिटेंशन से तल्लक है नहीं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से तल्लक है, इसलिए ये गलत है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यहाँ पे सक्सेस लिखा है, फाइनेंशियल सक्सेस भी आ सकता है, स्टेबिलिटी भी, लेकिन प्रोसेस इफेक्टिवनेस का, जबकि ये प्रोसेस एफिशिएंसी होता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ, फाइनेंशियल सक्सेस एंड प्रोसेस एफिशिएंसी, वो ही सक्सेस की बजाय स्टेबिलिटी। इन नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस एंड स्टेट रन एंटिटी, स्टेट रन पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट, ए वैल्यू फॉर मनी ऑडिट कैन बी यूज टू मेजर परफॉर्मेंस। इट कवर थ्री की एरिया, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। विच ऑफ फॉलोइंग कुड बी यूज टू डिस्क्राइब इफेक्टिवनेस को क्या डिस्क्राइब करता है? अवॉइड वेस्टेज, ये एफिशिएंसी होती है, आप इनपुट कम करो आउटपुट ज्यादा करो, आउट यानी वेस्ट ना हो। अचीविंग एग्रीड टारगेट, हाँ टारगेट अचीव करना इफेक्टिवनेस होती है, ऑब्जेक्टिव। अचीविंग ए गिवन लेवल ऑफ प्रॉफिट, ये तो बेटा गिवन लेवल ऑफ प्रॉफिट, वैसे भी स्टेट रन एंट्री पब्लिक सेक्टर में प्रॉफिट होता ही, नॉट फॉर प्रॉफिट। ऑब्टेनिंग सूटेबल क्वालिटी इनपुट एट द लोएस्ट प्राइस, तो ये इकोनॉमी, लोएस्ट प्राइस पे इनपुट लेना इकोनॉमी। बैलेंस कंपनी इज लुकिंग to introduce balance scorecard is finalizing the measure to use for the innovation and learning, innovation learning perspective. Which one of the following is not relevant for this perspective? Innovation and learning में जब भी कोई नई चीज होती है, start train करो, नई product हो, नई market हो, तो इस तरह की चीजें आती है। Number of idea from staff, innovation of learning है, which of not कहा ना। परसेंटेज ऑफ सेल फ्रॉम न्यू, ये भी नई लर्निंग है। नंबर ऑफ न्यू, ये भी लर्निंग एंड इनोवेशन लर्निंग है। लेवल ऑफ रिफंड गिवन, ये नॉट।
ये इनोवेशन एंड लर्निंग में नहीं आता। कॉल कंपनीज कीन टू इंक्रीज द यूज दे मेक ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर इन द ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक्टिविटी, इन पर्टिकुलर दे आर कीन टू इंप्रूव कस्टमर रिटेंशन, सो वांट टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विस दे प्रोवाइडेड टू देयर कस्टमर। वो क्वालिटी पे फोकस करना चाहते हैं, कस्टमर रिटेन पे। कस्टमर रिटेंशन एक किस्म का उनका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। क्वालिटी पे फोकस करना चाहते हैं तो क्वालिटी की मेजरमेंट उनका जो है केपीआई है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट एज मेजर ऑफ सर्विस क्वालिटी। नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट, बिल्कुल इससे पता चल जाता है सर्विस क्वालिटी क्या है। नंबर ऑफ रिपीट ऑर्डर, हाँ जी, तो इससे भी कस्टमर रिटेंशन पता चल जाएगी। रिपीट ऑर्डर होगा तो रिटेंशन होगी। सेल वॉल्यूम ग्रोथ, हाँ जी, सेल वॉल्यूम भी अगर इंक्रीज होगा तो इससे भी हमें क्वालिटी का पता चलेगा। लेकिन मसला ये यहाँ पर थोड़ा सा है कि सेल वॉल्यूम ज्यादा ग्रोथ जो है ये जरूरी नहीं होता कस्टमर रिटेंशन से इसका तल्लक। न्यू कस्टमर भी तो इनमें होते हैं ना, ये तो आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्ट होती है। ये फर्स्ट टू बेस्ट है। विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, इसमें से ऑब्जेक्टिव कौन सा नॉन फाइनेंशियल है? ग्रोथ ऑफ सेल, अब यहाँ पे क्लियर नहीं है सेल यूनिट है सेल अमाउंट है, इसको भी आप हेल्ड कर लेते। डाइवर्सिफिकेशन, अब नई जैसे नई चीजें इंट्रोड्यूस कराऊ, ये तो नॉन फाइनेंशियल है। कंटेंटेड वर्कफोर्स, वर्कफोर्स आपकी बड़ी स्किल्ड है, ये भी नॉन फाइनेंशियल है। इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर ये फाइनेंशियल है, ये तो आना है। अब ये टू एंड थ्री आना है, टू एंड थ्री आना है, फोर आना नहीं। टू एंड थ्री इसमें भी है, टू एंड थ्री के साथ वन भी है, टू थ्री के साथ फोर है, ये तो आना ही नहीं, फोर भी नहीं आना। अब इन दोनों में से, अब यहाँ पे एग्जामिनर को क्लियर करना चाहिए कि ग्रोथ ऑफ सेल से मुराद सेल यूनिट है या सेल की अमाउंट है। अगर यूनिट है तो वो नॉन फाइनेंशियल, अगर अमाउंट है तो वो फाइनेंशियल है, ज़्यादा फर्क है। लेकिन बहरहाल अभी फॉर टाइम बीइंग हम इस पे लगा देते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस मेजर वुड बी हेल्पफुल फॉर सर्विस इंडस्ट्री कंपनी, सर्विस में जिस तरह ट्रेन कंपनी है, ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटल है, कॉलेजेस है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट तो नहीं कहा, नेट प्रॉफिट मार्जिन तो सर्विस में भी होता है। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, डेवो कम प्रॉफिट कमा रही है। स्टैंडर्ड कास्ट एंड वेरियंस एनालिसिस, अब ये कि विच ऑफ फॉलोइंग परफॉर्मेंस मेजर वुड बी हेल्पफुल फॉर सर्विस इंडस्ट्री। अच्छा जी, अब सर्विस इंडस्ट्री की यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक करने के लिए नेट प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, स्टैंडर्ड कास्ट एंड वेरिएंस एनालिसिस से भी वैसे परफॉर्मेंस हो सकती है। एम्प्लाई एब्सेंटी रेट, हाँ ये स्टैंडर्ड से नहीं हो सकती, सॉरी बेटा माफ कर देना, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में चीजें क्योंकि हेट्रोजीनियस होती हैं, डिफरेंट, तो उसके स्टैंडर्ड सेट ही नहीं होते, इससे परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, माफ कर देना। एम्प्लाई एब्सेंटी रेट सर्विस में भी होता है, प्रोडक्शन में भी होता है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट, यूनिट सर्विस में नहीं होते क्योंकि
डिफेक्टिव मतलब यूनिट तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब फर्स्ट एंड थ्री, विच ऑफ फॉलोइंग वुड बी सूटेबल फॉर मेजरिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि आपने किस चीज को यूज कितना किया। जैसे एक गाड़ी है उसमें 50 सीट्स है, उस पर कितने पैसेंजर बैठे हैं, ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन किस पे, एफिशिएंसी भी रिसोर्स यूटिलाइजेशन होती है कि इनपुट कम हो आउटपुट ज्यादा हो, और अगर एफिशिएंसी बढ़ती है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, रिसोर्स अच्छे यूज करोगे प्रोडक्शन ज्यादा होगी। रिलेटिव मार्केट, मार्केट शेयर यानी इससे रिसोर्स का क्या फर्क है, मार्केट तो सेल के हिसाब से होती है। विच ऑफ फॉलोइंग वुड बी सूटेबल फॉर मेजरिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन इन पार्सल डिलीवरी कंपनी, जैसे TCS है पार्सल डिलीवरी कंपनी। नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट, इस कंप्लेंट का तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन से कोई तल्लक नहीं। कास्ट पर कंसाइनमेंट, हाँ कि कंसाइनमेंट कास्ट पर कंसाइनमेंट क्या है, तो आप देखेंगे आप अपनी कंसाइनमेंट को कितना बेहतर यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर कास्ट कम होगी तो उसका मतलब रिसोर्स की यूटिलाइजेशन आपकी अच्छी है। डिपो प्रॉफिट लीग टेबल, ये प्रॉफिट लीग टेबल होता है आपके लेवल पे है ही। डिपोर्ट क्लाइंट वैल्यूएशन इंटरव्यू, ये रिसोर्स के लिए तो नहीं होता, ये तो सेटिस्फेक्शन चेक करने का, इफेक्टिवनेस के लिए क्लाइंट वैल्यूएशन फॉर्म लिया जाता है। तो ये बेटा आपका टोटल है, बाकी अभी के लिए अल्लाह।